देखो ये हमने इंच पर इंच टाइप निकाल दिया, यहाँ पे हमने 37 हमारे पेंट की लेंथ, तो हमने 37 पे निशान लगा लिया। 37 पे निशान लगाने हमने सीधी लकी खींच दी, इसके अंदर हमने मार्जिन कर दिया 2 इंच का नीचे कोल्डिंग के अंदर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा इंच टाइप हम यहाँ पर रखेंगे इसको, तो हमारी वेस्ट है 34 का, 34 का चौथा भाग होता है 8.5 निशान लगाएंगे, 1 इंच हमारा डाट का रहेगा और 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा जो दोनों तरफ आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ बीच निशान लगाएंगे, तो ये हमारा आ रहा है 10.5 का आधा हुआ, 5 का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद 1 इंच जो हमने बढ़ाया था डाट की, ये हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे, यहाँ 1 इंच हम निकाल देंगे, तो हमारा 44 से 44 का चौथा भाग हो गया 11, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी टोटल गोलाई भी आएगी, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 10 के ऊपर, ठीक है। हमने 10 पे निशान लगाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से सीधी लकी खींच देंगे, ये हमने सीधी लकी खींच दी। यहाँ से हम इसके 28 का निशान लगाएंगे, तो 28 रखेंगे इसकी 25 इंच की, तो 25 इंच की साइज रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी आएगी ये 12.5, तो हमने 12.5 निशान लगाएंगे, 12.5 निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे यहाँ पे सीधा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसको सीधा यहाँ पे मिला दिया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके नाप के हिसाब से आएगा, कोई 1.5 आएगा, कहीं 2 इंच का आएगा गोलाई का। तो अब हमारा ये देखना है हमारे को, तो हमारा जो हिप है वो 44 है, तो हमारा ये देखो फिक्स 44 आराम जो लूजिंग देंगे वेक के अंदर देंगे 11 और 11, 22 और 22 44, ठीक है। आपको भी इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी 1.5 आ रहा है हमारा, तो आपको क्या करना है उसके बाद में आपको मोड़ी का निशान लगाना है। तो हमारी जो मोड़ी रहेगी इसकी वो रहेगी 16 इंच की, तो हम 16 इंच के हिसाब से आपको इसका माइक लगा के दिखा देते हैं। तो हमने जो निशान यहाँ लगाया ये हमारे यहाँ से आ रहा 12.5, तो हमें यहाँ निशान लगा लेना यहाँ लगाने के बाद 12.5 पे, ठीक है। हमने 13 पे निशान लगा लिया, 13 पे निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है कि हमारा ये निशान लगाना है, तो 13 के आगे हो रहा है हमारे 1.25 इंच, ये 6.625 फुट, तो ये हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो मोड़ी है उसको आपको पूरा कैलकुलेशन और ये हमारी मारी लग चुकी है, यहाँ से हम जो डाट ले रहे ना वो आप डाट हमें ले रहे हैं 5.5 फुट, ठीक है। अब ये हमें यहाँ से इसको सीधे ऐसे मिला देना है, ये चीज़ देखने वाली है मैं, ठीक है। तो ये हमारे निशान लग गया, देखो ये जो मैंने निशान लगाया बराबर आ रहा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधे में ही, तो आपको क्या है पहले सीधे निशान लगा लेना, आप फिर कटिंग करते रहेंगे तो आपको आदत के अंदर आ जाएगा कटिंग का, बिल्कुल ये हमारी सीधी आ गई, देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 4 इंच निकाल के इंच टेप, और ये हमारी हो गई 16 मोड़ी, ठीक है। ये 16 हमने मोड़ी हमारी, तो हमें क्या करना है, ये पेंट वाली स्केल उठानी शेप पट्टी, इस शेप पट्टी से आपको यहाँ निशान लगाना है इसको, इस जगह से इस जगह ये शेप दे देना है आपको, तो आपको लगा के निकालता हूँ निशान, ये देखिए ये हमारा निशान लग चुका है, ठीक है। फिर आपको इसको पलट लेना, पहले हमने नहीं लगाया था और हमको ऐसे पलटेंगे, तो यहाँ से हम इसको पलट के इस तरीके से निशान लगाते हैं इस वाले निशान से, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया, अब हम इसको यहाँ से ऐसे पलट देंगे, ये हम इसका ये निशान लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर। और एक बात जो आप हल्का से इसको ऐसे तिरछा करना है, ये जैसे हमने कहा ये हमारा कट खुलेगा 6.5 इंच पे, तो हमें निशान ला लेंगे 6.5 इंच का कट का, हमारे निशान लाने के बाद हम थोड़ा ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, ये हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे, तो एक बात ये हम यहाँ से इसको डाउन करेंगे, तो इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, तो हम निशान लगा रहा हूँ 1.5 पे, ये निशान लगा लिया 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 1.5 पे, ठीक है। यहाँ मैंने निशान लगा लिया 2 मैं लगा लिया, मैंने 2 हमने मार्जिन ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से इसको इस तरीके से सीधे लकी खींच देंगे, यहाँ पे सीधे खींचने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा करने के बाद यहाँ से हम इसको यहाँ मिला देंगे ऐसे सीधा, यहाँ मिलाने के बाद में हमें यहाँ निशान लगा लेना 1.5 इंच का, ये 1.5 इंच पे मैंने लगा लिया, 1.5 इंच पे लगा लिया ऐसे 1.5 इंच, या मार्जिन ऐड कर लें इसके अंदर, ठीक है। सिलाई होगी हमारी इसमें मिलकर लगेगी, मैं आपको सब समझा दूँगा कि किस तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग करनी, ठीक है। ये जो हमने ये निशान लगा लिया, ठीक है, नाम लगा लेंगे निशाने का, निशान लगा दिया, नाम गोलाई दे देंगे हमारे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ हमारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, ये जगह हमारी कटिंग होगी, ये मैं आपको ऐसे निशान लगा के दिखा देता हूँ कि आपको समझ, ये जो आपकी सिलाई लगेगी ना जब, ठीक है, ऐसे लगेगी आपकी सिलाई, यहाँ से आपको मिलाना है, आपको इसको यूं करके सीधा बंद कर देना, ये मार्जिन देगा, कभी आपको लूज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी आपको कटिंग करके दिखा देंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप हमारी